अदालत में केनाल रोड पर जलाव घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस है, इससे मुतालिक आज क्या कार्रवाई हुई है? जी मारूफ, तो ये पीटीआई के रहनुमाओं की अबूरी जमानतों का आज मामला था। फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद लाहौर की निस्तार दहशत गर्दी अदालत ने असद उमर, डॉक्टर यासमी राशिद, मियाँ असलम इकबाल, जुबैर न्याजी समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया है। ताहम जो है वो जो सरकारी वकील थे उन्होंने इनकी अबूरी जमानतों की मुखालफत की और ये कहा कि मौजूदा दरख्वास्त गुजार इनके खिलाफ बहुत से सबूत मिल चुके हैं और फुटेज के लिए पैमरा से भी दरख्वास्त दी है कि वो हमें रिकॉर्ड फ्राहम करें और टीडीआर के जरिए मुलजमान की जो है वो शिनाख्त करनी है। ताहम इस हवाले से अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज किया है। फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद लाहौर की निस्तार दहशत गर्दी अदालत ने असद उमर, डॉक्टर यासमी राशिद, मियाँ असलम इकबाल, जुबैर न्याजी समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया है। ताहम जो है वो जो सरकारी वकील थे उन्होंने इनकी अबूरी जमानतों की मुखालफत की और ये कहा कि मौजूदा दरख्वास्त गुजार इनके खिलाफ बहुत से सबूत मिल चुके हैं और फुटेज के लिए पैमरा से भी दरख्वास्त दी है कि वो हमें रिकॉर्ड फ्राहम करें और टीडीआर के जरिए मुलजमान की जो है वो शिनाख्त करनी है। ताहम इस हवाले से अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज किया है। अर्शद, आप तफसीलात से आगाह करें, बेहद शुक्रिया आपका।